टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व को चुनावी प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश जयंत की जोड़ी बीजेपी को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी जनसभाओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ सर्दी का सितम है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों में गर्मी वाला बयान सियासी पारा चढ़ा रहा है। क्या कुछ चल रहा है चुनावी समर में, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा, इन्हीं को ठंड लग गई। वो हमारे मुख्यमंत्री है, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बयानों में भी गर्माहट आसानी से महसूस की जा सकती है। जनता को लुभाने वाले, दूसरे प्रत्याशियों के खिलाफ भड़काने वाले बयानों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ दिन पहले हापुड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद मुजफ्फरनगर और कैराना में दिख रही गर्मी शांत हो जाएगी, मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ। ये गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। सीएम योगी के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है और विपक्ष इस पर पलटवार भी कर रहा है। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा था कि हम जाट तो हैं ही, गर्मी मिजाज में है हमारे। सीएम के बयान के बाद पलटवार भी शुरू हो गया है। अब क्या जवाब दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, देखिए। बता दें कि सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा था कि हम तो है ही गर्म मिजाज के, हम पैदा ही गर्म हुए थे। जयंत चौधरी ने कहा कि लगता है योगी जी को सिर पर ठंड लग गई है, उन्हें कंबल ओढ़कर गोरखपुर चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आम लोग भी सीएम के गर्मी और शिमला वाले बयान पर तंज कस रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी की जो चर्बी चढ़ रही है आप वो उतार दो। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इस बयान पर पलटवार करने का अखिलेश यादव ने भी एक मौका नहीं छोड़ा और जयंत के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने भी इस पर सीएम को घेरते हुए पूछा कि क्या वो कंप्रेशर है जो गर्मी निकाल देंगे। जहां चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख कैसे पीछे रहते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी के गर्मी निकल जाएगी वाले बयान पर फिर पलटवार किया। अखिलेश यादव बोले कि गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा था कि क्या सीएम योगी कंप्रेशर है जो गर्मी खत्म कर देंगे। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि अगर खून की गर्मी खत्म हो जाएगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। वहीं जयंत चौधरी ने कहा था कि दो लड़कों की गर्मी देख सर्दी में बाबा के पसीने छूट रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में,
यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। तारीख नजदीक आते ही सूरज की तपिश और सियासी तापमान दोनों बढ़ रहा है। वहीं विकास का मुद्दा धूमिल होता दिख रहा है, ध्रुवीकरण सरपट दौड़ रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। यूपी में सियासी घमासान मचा है, शब्दों की मर्यादा टूट रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी रणनीति और राजनीति में क्या परिणाम आता है। ऐसे ही चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।